तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे आसान तरीका है इस तरीके का रील बनाने का। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर आपके मोबाइल पर जो रहेगा प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर के एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखेगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइप करना है रीजल। अब स्पेलिंग देख लो, इस तरीके से आपको टाइप करके यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, तो ये वाला एप्लीकेशन है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पर मेरे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में कुछ अलाउ वगैरह करने का आ सकता है, तो उसको आपको सबको अलाउ करते जाना है, जो भी वहाँ पर परमिशन मांगेगा उसको अलाउ करना है। इसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रिकॉर्ड का बटन दिखेगा, एक सर्कल, और उसमें एक रेड डॉट दिखेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। टेम्पलेट के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही आपको ये जो पेंटिंग वाला टेम्पलेट है वो दिख जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रिपेयरिंग का थोड़ा सा टाइम ले लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके मोबाइल की गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको जो भी फोटो यहाँ पर ऐड करना है गैलरी में से उसे आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर आपको गैलरी में जितने भी फोल्डर हो सारे फोल्डर की लिस्ट भी आ जाएगी, तो इसमें से स्पेसिफिक कोई भी एक फोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी फोटो सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये वाला फोटो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड के नीचे एक रेड कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका वीडियो आप देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर आपका वीडियो जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो एक सेव का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये बनाया हुआ वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा। ये 100% यहाँ पर आप देख सकते हो 100% कम्प्लीट हो जाने के बाद ये वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये सेव हो जाने के बाद ये वाला एप्लीकेशन इसे आपको मिनिमाइज़ करना है या फिर आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा ओरिजिनल ऑडियो का लिंक, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन ओपन होगा, कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन यहाँ पर हो जाएगा। अभी आपको करना है कि स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हो एक यूज़ ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रहा है इसे आपको ऊपर के साइड में इसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो ऊपर एक गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर अपने वीडियो तुरंत अभी एक्सपोर्ट किया होगा तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको दिखेगा, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ऊपर एक ऐड का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ऊपर आपको एक सॉन्ग का ऑप्शन आ जाएगा म्यूजिक का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर अभी ये जो सेकंड ऑडियो का बार है इसे आपको 100 करना है, और जो फर्स्ट वाले इसे आपको 0 ही रखना है, इसे 100 करना है। 100 करने के बाद ऊपर आपको जो वीडियो दिख रहा है उसके स्क्रीन के ऊपर, मतलब उस स्क्रीन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका बना हुआ वीडियो एज अ रील पोस्ट होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ कैप्शन वगैरह ऐड करना है तो कर सकते हो। यहाँ पर फिर लास्ट में आपको नीचे एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपने बना हुआ वीडियो एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।